लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने राज्य के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को पद से हटा दिया है। आयोग ने दोनों को गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया है। श्री राजीव कुमार आईपीएस एडीजी सीआईडी स्टैंड्स रिलीव्ड एंड अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली। श्री अत्री भट्टाचार्य आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड हिल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल stands relieved from his current charge immediately। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का समय भी 19 घंटे कम कर दिया है। आयोग ने सभी पार्टियों की रैलियों, रोड शो, सभाओं और किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन पर रोक लगा दी है। ये रोक गुरुवार की रात 10 बजे से लागू होगी। No person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16-5-2019 and till the conclusion of poll on 19-5-2019। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हिंसा को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि बंगाल में बीजेपी की आवाज दबाने की साजिश हो रही है। इस पर उपराष्ट्रपति ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो हताश और निराश होकर हिंसा का तांडव करा रही है और पुलिस मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अमित शाह को आईबी इनपुट के आधार पर खतरे को देखते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी है। गृह मंत्रालय ने हिंसा को लेकर पहले भी चिंता जताई थी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए पदयात्रा निकाली। वहीं दिल्ली में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। That man who was leading that procession yesterday has come to Delhi this morning and tried to justify. What were your outsiders arrested? And now you're complaining why the outsiders are arrested? Who is this fellow, Tejinder Baga? जो बाहर से लाया था बीजेपी का, वो पता भी नहीं है विद्यासागर को, एक स्टैचू देगा टोक दो। पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। शाह ने सवाल किया है कि देश भर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है? देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई सिवाय बंगाल। अमित शाह ने कहा कि 23 मई के बाद तृणमूल कांग्रेस का अंत होने वाला है। कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए, मुझ पर हमला होना मैं स्वाभाविक समझता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में तस्वीरें दिखाकर आरोप लगाया कि ये टीएमसी का काम है। इस बीच टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के पीछे बीजेपी समर्थकों का हाथ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा के खिलाफ देश के कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर मौन प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह और विजय गोयल मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का बैनर हाथ में लिए हुए थे। ममता बनर्जी टीएमसी चुनाव हार रही हैं, तो वो हर तरह की हिंसा कर रही हैं। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गई है, इसलिए वो कुछ भी, अपनी सरकार है उनकी वहाँ पर, वो कुछ भी कर रही है। कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में भी मुंह पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा पर विरोध जताया। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में हिंसा कराने का आरोप लगाया है। कोलकाता के डायमंड हार्बर में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह के रोड शो को दीदी के प्रशासन ने प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। दीदी के प्रशासन और गुंडा तंत्र ने भाजपा के रोड शो को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की।
दीदी का ये गुंडा तंत्र उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के ही बशीरहाट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दीदी की धमकी और गालियों से डरने वाले नहीं हैं। आपकी गाली और धमकियों से मोदी डर जाएगा? ममता दीदी आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है। पीएम मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मदद से बीजेपी 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। आज मैं बंगाल की धरती पर से कह रहा हूँ, क्या बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आगे 300 सीटें पार करवा के रहेगा, ये पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 चुनावी रैलियां की। पीएम ने पहले बिहार के पालीगंज में, फिर झारखंड के देवघर में और उसके बाद पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और डायमंड हार्बर में चुनाव प्रचार किया। देवघर में पीएम ने कहा कि नामदार को बचाने के लिए कांग्रेस में नाखून काटकर शहीद होने की होड़ मची है। अपने नामदार पर हार की जिम्मेदारी नहीं आने देना चाहती, इसलिए कांग्रेस में अभी नाखून काटकर शहीद होने वालों की होड़ मची हुई है। पालीगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो यदुवंश की धरती द्वारका से आए हैं और सुदर्शन चक्रधारी उनके प्रेरणा स्रोत हैं। चरखाधारी मोहन विकास का रास्ता है, चरखाधारी मोहन वो भी हमारी प्रेरणा है, और सुरक्षा का रास्ता है सुदर्शन चक्रधारी मोहन, वो भी हमारा रास्ता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी कार्यक्रमों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। अमित शाह के चुनावी कार्यक्रम वाली जगहों पर ASL यानी एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन की टीम पहले से मौजूद रहेगी। कमांडेंट रैंक के अधिकारी उनके चुनावी कार्यक्रमों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर अभी 16 और 17 मई को अलग अलग राज्यों में अमित शाह के कई कार्यक्रम होने हैं। मंगलवार को कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान TMC छात्र परिषद के सदस्यों ने मारपीट, पथराव और आगजनी की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी में रोड शो किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे लगाए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई। पीएम मोदी की ही तरह प्रियंका गांधी ने भी रोड शो की शुरुआत BHU गेट पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के काफिले पर फूल बरसाए। प्रियंका ने वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए वोट मांगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है और कांग्रेस इस आंधी में उड़ जाएगी। पंजाब के बरनाला की रैली में स्मृति ईरानी ने 1984 के दंगों पर हुआ तो हुआ बयान देने वाले सैम पित्रोदा के बारे में कहा कि वो गुरु घंटाल है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का सेनापति अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों से कर्ज माफी का झूठा वादा किया। दिल्ली में आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा लहराया। महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी नचिकेता का कहना है कि वो कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहने से नाराज था। नारेबाजी कर रहे नचिकेता को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हॉल से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस और IB की टीम नचिकेता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी को अजय सिंह बिष्ट बोल रहे हैं? अजय सिंह यादव, अजय सिंह जी को, अजय सिंह बिष्ट जी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग नाम लेके बोल रहे हैं, दैट्स नॉट आवर कल्चर। असम के गुवाहाटी में मॉल के बाहर हुए बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। गुवाहाटी की जू रोड पर हुए इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।
अभी यहाँ पर ये सेंट्रल मॉल जू रोड के पास यहाँ पर ग्रेनेड विस्फोरण हुआ है। करीबन 8 बजे ये घटना हुई है और अभी इसका अन्वेषण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे कि किसने ये घटना की और किस तरह से ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरे इलाके में घेराबंदी करके जाँच शुरू कर दी है।